बात करना चाहता हूँ। बोलिए भैया। क्या साहब? कैमरा है कहाँ का? क्या चीज का है ये? गोप्रो है सर। ब्लॉगिंग करता हूँ साहब, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। मैं दिल्ली गया था साहब ब्लॉगिंग करने। ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरी यूट्यूब पे चैनल है सर। यूट्यूब पर चैनल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद कर ले। और ये किसकी गाड़ी? मेरी गाड़ी है साहब। कब जमा करवाया इसका? पेमेंट कब जमा कराया इसका? किसका? अरे ना बंद कर ले। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी इधर से मेरे को 88.75 किलोमीटर, जैसे कि 875 किलोमीटर काटना है। अभी मैं था बावल करके गांव था, जो दिल्ली के पास ही था, सिटी है। तो इधर मैं नाइट रुक गया था गाइस। तो मैं निकल गया इधर से अपने डेस्टिनेशन पर। तो आज जो अपना गाड़ी का बल्ब भी पहले ठीक करवाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आगे वाला बल्ब बिगड़ गया है। तो आज करवा दूंगा मैं, क्योंकि गाइस कोई रूम वूम कोई मिला नहीं कुछ। जो शोरूम वोरूम होगा तो मैं गैरेज वैरेज पे पूछ लूँगा, तो अपना हो जाएगा यार। तो गाइस अभी ये टोल क्रॉस किया, अभी लगभग इधर से जयपुर बहुत दूर, लगभग 150 किलोमीटर जैसा होगा जयपुर। और यार ये दिल्ली वाले हाईवे पे एक्सप्रेस, दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस पे भीड़ ज़्यादा मिलती है यार, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है यार। मेरी है सब। कौन सा नाम है? बंद कर ले गाड़ी, बंद कर। अरे फाड़ ले, कर ले भाई। हाँ सब। यार कोई प्रॉब्लम हो गया। ब्लॉगिंग करता हूँ साहब, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं।
मैं दिल्ली गया था साहब ब्लॉगिंग करने, ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरी यूट्यूब पे चैनल है सर। यूट्यूब पर चैनल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद कर ले। और ये किसकी गाड़ी? मेरी गाड़ी है साहब। पेमेंट कब जमा करवाया इसका? पेमेंट कब जमा कराया किसका? किसका? अरे इन्हें बंद कर ले। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ साहब इसलिए। बजाज फाइनेंस है क्या? बजाज से लोन। गाड़ी तो कब की सर लोन हो गया, खलास हो गया? कब करवाया था गाड़ी? कब का लोन खत्म हो गया? कोई दिन एनओसी है ना तेरे पास? हाँ एनओसी है ना। हाँ कोई दिन दिखा दे मेरे को। हाँ साहब क्या साहब? कैमरा है साहब। कहाँ का कैमरा? क्या किस चीज़ का है ये? गोप्रो है साहब, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरी। देखा देखा कौन सा यूट्यूब चैनल है? ये मेरी चैनल है साहब, मैं ऐसे ब्लॉगिंग करता हूँ ट्रैवलिंग वाला, ऐसे जगह पे मैं विजिट। ये मान काट दिखाओ जी ना तारे, तो तेरा ब्लॉग बनाता रहे अलग से। बोलिए ना साहब क्या हुआ, मैं कोई मेरी गलती हुआ तो बोलिए साहब। पेमेंट कब जमा करवाए थे इसका? सर मैंने कब का करवा दिया है, ये तो गाड़ी तो मेरी गुजरात से है साहब। गुजरात से है तो ऑल इंडिया कहीं पर भी रुक सकती है। गाड़ी का तो सब कब से लोन भी खत्म हो गया। दिखाता है मेरे में पीडीएफ होता था, दिखा देता हूँ सब आपको। पीडीएफ में दिखाता हूँ आपके, ऐसा बोलो पीडीएफ में दिखा देता हूँ। इन्हें तार कौन सा कहते हैं? क्या तो नहीं सकता ये सब रहने दो इसको। पीडीएफ कहाँ गया यार? क्या साहब? अरे इसको उठा, इसको उसको रहने दो ना साहब। क्या कर रहा है? एक कैमरा है सर, इसलिए मैंने हेलमेट पहना है, मेरे को दूर जाने का साहब इसलिए। मैं तो पहन रखा है तो उसको रख ले। तो हमारी क्या, तू यूट्यूबर बना रहे थे उसमें? ऐसा नहीं है सब कुछ है? क्या बात हो गई? क्या सब? नाम क्या है तेरा? कमलेश है सब। कमलेश? कमलेश कमलेश कहाँ का है? गुजरात से हूँ साहब। मैं कहाँ घूम रहा है? मैं दिल्ली गया था साहब। और कौन साथ में? अकेला है? हाँ अकेला हूँ मैं। घूम के यूट्यूब बना के आ गया? हाँ मैं दिल्ली गया था साहब, अभी मैं रिटर्न हो रहा हूँ। चल रहा है अपना क्या प्रचार हो रहा है अपना? मैं ब्लॉगिंग करता हूँ साहब इसलिए। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ साहब, यूट्यूब चैनल है। अरे यूट्यूब चैनल दे रहा हूँ। अरे यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यार मेरे को देख यूट्यूब चैनल चैनल देता हूँ चैनल दे यूट्यूबर खतरा सब्सक्राइबर जी खतरा जी करना है जो पुराना जो अभी सब नया नया चालू किया मैंने। नया नया किया है बोलिए ना साहब बोलिए। अरे बैठ यहाँ पे एक बार पहले आप बोलिए ना, मैं इधर खड़ा था हूँ साहब, मैं इधर खड़ा हूँ साहब, आप बोलिए ऐसा बोल रहा हूँ। गाड़ी तुम्हारी है? खुद की? हाँ खुद की है साहब। पेमेंट वगैरह? क्या पेमेंट वगैरह जमा करवाया? हाँ कब का खत्म हो गया साहब? खत्म हो गया कब का लोन? लोन खत्म हो गया। नाम क्या है तेरा? राठौर कमलेश साहब, आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, चेक करना है तो। शकल तो कौन दिखा रही है? ठीक है आराम से। बढ़िया बढ़िया सर। एंजॉय राजस्थान कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अरे साहब आपने मुझे डरा दिया यार साहब। किसने डरा दिया? हम तो भाई है। अरे ऐसा नहीं साहब, सच में यार मैं डर गया साहब इसलिए यार। तो
क्या नाम है? ये मनीष भैया है सब, मैं उनको मिलने गया था दिल्ली। पता तो यार तू जाए, तू घबरा रहा है, हम तेरे फैन है यार। ऐसा नहीं सब आप बोलते हैं, ऐसे मैं घबरा गया यार। घबराने की बात नहीं है, ऐसे कैसे घबराएगा, अभी अब से घबराने लग गया तो। अरे ऐसा नहीं, मैं सोलो राइड हूँ इसलिए यार। कुछ गलत बोले तो बताओ। नहीं गलत तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं यार मैं अकेला हूँ इसलिए थोड़ा। गुजरात से रास्ता में घूमने आयो, कुछ सोच समझ के आयो। चलो घूमो ना, करो एंजॉय। थैंक यू सब, जाओ आराम से ना। लाल मत दीजिए, यूट्यूब पर भी है। वैसे ऐसे लफेंगे लोग भी मिल जाते हैं यार, क्या करें। ऐसे चुटिए लोग भी मिल जाते हैं यार राजस्थान में। तो गाइस मेरे को डरा दिया था यार, ऐसे लोग मिल जाते हैं पैंट छूट के, क्या करें यार। और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गई यार। यार ज़्यादा ट्रैफिक हो गई, क्या करो। अरे 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 मंगलू भैया कैसे जा रहा है, देखिए गाइस हमारा तो कोई मेरी नहीं पड़ेगा इधर, कैसे भाग रहा है यार। वो 100 के ऊपर जाती होगी गाइस, क्या करें। तेरी क्या जा रही यार, गजब की जा रही। ये 450 सीसी वाली यार, ये 220 है, हमारे से भी 250 गुना है यार उसकी सीसी, क्या करें। हमको भी एक बार हमारा तो टाइम आएगा था गाइस, हम भी ऐसे लिए यार हिमालयन, हमारा भी एक ड्रीम है गाइस हिमालयन 450, क्या करें यार, लेंगे एक बार तो लेंगे यार, लेना है ज़रूर। अभी होटल पे रुके थे, तो गाइस अभी होटल पे रुके थे खाना खाने लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी यार। सुबह से कुछ खाया नहीं था यार, खाली ब्रेकफास्ट किया था सुबह में, तो अभी 1 बजे खाया यार, 1:30 बजे। तो अभी खाना वाना खा के निकल गए यार अपने डेस्टिनेशन पे। तो गाइस इस तरफ कोई राइडर नहीं मिलता निकल, जो सामने से बहुत सारे राइडर लोग जाते हैं दिल्ली ऐसे जाते हैं, बहुत दो लोग मिले थे सुबह में, लेकिन इधर से जो सामने से बहुत ज़्यादा राइडर लोग गए दिल्ली साइड। अब अच्छा लगा यार खाना वाना खाया, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैं तो खाली पानी पीने रुका था यार, सोचा नहीं था खाऊंगा ऐसा। तो
ये अंदर गया तो चलो खा ही लेता हूँ यार, भूख भी लगी है तो थोड़ा खा लेते तो थोड़ा अच्छा रहता यार। वैसे भी पेट खाली खाली था यार, तो अब कोई टेंशन नहीं, शाम तक अब कोई दिक्कत नहीं आएगी भूख भूख की। तो गाइस बस अभी निकलते अपने डेस्टिनेशन पे, और अभी अंकल लोग के रिएक्शन देखिए गाइस इको में। फिलअप नहीं था यार, पेट्रोल ही नहीं था, पूरा ख़त्म हो गया। देखिए टोटल 3000 का हुआ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए भैया। एक हज़ार गर्मी लग रही है ना? क्या गर्मी नहीं लग रही है? अब लग रही है ना गर्मी, गर्मी तो लग रही है ना, क्या करेंगे? गर्मी बहुत खतरनाक है यार। गर्मी की तो बात ही ना कर अंकल, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। पाकिस्तान का टेम्परेचर ही ज़्यादा। किधर से आ रहे हो? गुजरात। गुजरात से? हाँ। जा रहे किधर? इधर दिल्ली। दिल्ली से आया हूँ। अरे दिल्ली से वापस जा रहे गुजरात? हाँ। कल तो पहुँचाओगे? हाँ कल पहुँच जाऊँगा। भाई को मिलना है यार, पता नहीं भाई बोल रहे हैं हमको आपसे मिलना है, आपके साथ बात करना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, पानी पीने का तो प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। गाड़ी जा रही हो, भाई को बात करनी है मेरे से, क्या पता क्या बात करनी है, लेकिन मिलना है उनको, तो मिलते हैं गाइस। क्या बात करनी है तो मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन मिलते हैं उनको। ये भाई बोल रहे हैं आपको, आपके साथ बात करनी है यार, क्या बात करनी पता नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे भैया आगे खड़ी रखो, हम मेरे को आपके साथ बात करनी है, क्या आप रुकोगे, ऐसा बोल रहे थे। कोई बात नहीं, क्या बात है, चलो बात तो करते हैं, पूछते हैं क्या है क्या नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है। वो गाइस देखिए कैसा है, ये पक्षी देखिए गाइस कैसा है, देखिए बहुत अलग अलग है यार। कहाँ गए भैया? आप कहाँ से? मैं हूँ गुजरात से भैया, गुजरात से हूँ मैं। अच्छा गुजरात से? हाँ दिल्ली गया था। गुजरात जा रहे हो आप? हाँ गुजरात जा रहा हूँ अब। दिल्ली जाकर आ गया? हाँ दिल्ली जाके आया हूँ। रास्ते में मिले थे तो भाई ने बोला कि गाइस भैया आपके साथ बात करनी है मेरे को,
तो थोड़ा गाड़ी साइड पे लगा के मेरे साथ बात कर सकते हो क्या? तो भाई मैंने अभी भाई के साथ बात करने के लिए मैं इधर होटल पे रुका और भाई ने कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक मंगवाया, तो बैठे बातचीत करते यार भाई के साथ, क्या है क्या नहीं? कोल्ड ड्रिंक पीजिए। हाँ पीजिए, बोले भैया। मैं अजमेर से हूँ। अजमेर से मेरा क्या है कि मेरा काम जैसे अंडों का भी है, अभी गर्मियों में अंडों का भी मैं देखा था भैया, और आगे वैसे मेरा मेन काम सब्जी का है। किसानों से सब्जी खरीदता हूँ, किसानों से सब्जी ले ली, गाड़ी लोड करवा ली, किसान को कोई भी खेत में पेमेंट कर दी उसका, जहाँ पे मार्केट तेज होता है उस सब्जी का बाजार तेज होता है। जैसे कि हम गुजरात के आगे तक भी लेके जाते हैं, हरियाणा पंजाब उधर वहाँ तक भी लेके जाते हैं, हिमाचल जहाँ पे बाजार हमारे सब्जी का कॉन्टेक्ट है मेरे, आड़ती होते हैं ना सब्जी के मंडी, सब्जी मंडी आड़त होता है, जिले सबसे कॉन्टेक्ट है हमारे पास। जब बाजार तेज हो जब महंगा हो तो वहाँ जाके बेच देते हैं, उसको प्रॉफिट ठीक हो जाता है टाइम। अभी के अंडों में है, अभी इसको लेके जा रहा हूँ बुरहानपुर। हाँ बुरहानपुर खंडवा आगे बुरहानपुर महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर वहाँ पे ये अंडे की रेट वहाँ पे बढ़िया है, अच्छी है वहाँ पे, ठीक है बहुत अच्छी है। मैंने आपको देखा था तो मैंने कहा ठीक है, वाला है अब ये भाई मेरा ये हमारा इंडियन हैकर। अच्छा ये इसके अंदर जैसे कि अभी अजमेर से भाई लोग मिले थे जो बोल रहे थे भैया थोड़ी जानकारी लेना चाहते थे मेरे से, मेरे को भी आपके जैसा ब्लॉगिंग करना है भैया, कैसे करते हैं कैसे वीडियो। मैं अपनी बोलेरो पिकअप गाड़ी है वो, उसके माल गाड़ी में वो लोडिंग में चलाते हैं भाई लॉन्ग रूट पे, जैसे कि कोई भी साग भाजी हो फूड वूड सारा सामान लोडिंग करते हैं वो और गाड़ी भर के जाते हैं। अभी भाई ने लोडिंग किया अंडा और जा रहे हैं महाराष्ट्र, बॉम्बे जा रहे हैं अंडा भर के, तो ऐसे साग भाजी हो गया सब कुछ लोड करके ऐसे जाते हैं दूर दूर तक। तो भाई बहुत अच्छे मिले, उनके साथ बात की, वो भी मेरे से थोड़ा जानकारी लेना चाहते थे भैया कैसे ऐसा करने का वो करने का, तो मैंने भाई को बताया भाई ऐसे ऐसे करना आप भी सक्सेस हो जाओगे। मिलते हैं भैया। तो ये गाड़ी है भाई की अंडे की, चलो लाइफ में कुछ करना है तो भाई मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो भाई के वो थोड़े एमआर इंडियन हैकर के थोड़े जानने वाले थे और ये पिकअप भी एमआर इंडियन हैकर की है, तो भाई एमआर इंडियन हैकर का जो मेन राइट हैंड है भाई दिलराज भाई का राइट हैंड है विक्रम भाई, उनका भी मेरा कॉन्टेक्ट ले लिया है, तो भाई को कभी मिलने जाएंगे यार फिर से प्लानिंग करेंगे। अभी तो मैं राजस्थान में ही हूँ, मिल भी सकता हूँ लेकिन यार अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जाएंगे वापस कभी तो मिलेंगे भाई के, इसके लिए पेशल जाना पड़ता है गाइस प्लानिंग करके, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे इधर से उधर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अभी दिल्ली से जा रहा हूँ घर वापस, तो जो भी प्लानिंग करना वो अलग अलग से करना पड़ता है, कोई भी एक ही डेस्टिनेशन रखना पड़ता है, वरना इधर से उधर जाऊँगे ना तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए यार वो क्योंकि गर्मी का मौसम है गाइस, गाड़ी बहुत ही टूटी है, रोड की गर्मी ऊपर से गर्मी और गाड़ी की गर्मी यार, इसलिए सारी जगह पे घूमने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए नहीं गया। तो भाई ने कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पिलाया था, इधर बैठे थे गाइस, सामने का व्यू बहुत बढ़िया है यार, देखिए क्या व्यू है सामने का, खतरनाक व्यू है, सामने सनसेट हुआ ना इसलिए बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, गजब का सीन लग रहा है। अभी इधर से उदयपुर आके गए 16 किलोमीटर, तो हम बस एक गद्दा लगेगा 16 किलोमीटर काटने में, फिर हमारा डेस्टिनेशन आज का रहेगा उदयपुर तक का, उदयपुर में हम स्टे करेंगे फिर कल निकल जाएगा जल्दी, क्योंकि रात को नहीं गाड़ी खींचेंगे गाइस, क्योंकि गाड़ी को भी आराम देंगे थोड़ा, बहुत गर्म हो गई यार, सुबह 6 बजे से चल रही है गाड़ी अपने खुद, तो उसको भी थोड़ा आराम देना चाहिए यार, वरना गाड़ी हिट हो सकती है। सुबह 6 बजे से चल रही है गाड़ी गाइस, और कितनी धूप है,
इतनी ज़्यादा धूप में गए, बहुत गाड़ी चलाई मैंने। आज उदयपुर में नाइट रुक जाएंगे, फिर कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तो सामने का व्यू बहुत बढ़िया है, सनसेट देखिए, सनसेट हुआ। गजब का सीन हो रहा है गाइस, खतरा।